आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब रूही का पागलपन देखकर अरमान ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अरमान को रूही ने ब्लैकमेल किया था, जिसके चलते अरमान को शादी छोड़कर रूही को बचाने के लिए आना पड़ा था। यहाँ रूही की जिद को देखते हुए उसने फैसला किया है कि वो उसे सबक सिखाएगा। दुनिया में हमें कोई साथ नहीं रहने देगा रूही, इसलिए हम उस दुनिया में जा रहे हैं, हम जान देने जा रहे हैं। इधर अभीरा को पता चलता है कि अरमान उससे शादी नहीं करना चाहता और इसीलिए वो शादी छोड़कर चला गया है। लेकिन अभीरा को अरमान पर पूरा विश्वास है, वो जानती है कि अरमान ऐसा नहीं कर सकता है। उसे कहीं ना कहीं ये भनक भी हो गई है कि अरमान एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब इतने सारे ड्रामे के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मिलेंगे अरमान और अभीरा। कीजिएगा माँ, लेकिन हमारी शादी का मुहूर्त निकल रहा है, मुझे अपने दूल्हे को लेने जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरमान किसी खतरे में है?